उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई, बल्कि देश के 10 राज्यों में ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। देश की राजधानी दिल्ली की अब बात करें, वहां से भी अपडेट हासिल करेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, संतोष शर्मा का रुख करेंगे, उनकी मौजूदगी कानपुर में है। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, अभी ताजा हालात क्या है, किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ताजा हालात बिल्कुल सामान्य है। जिस तरीके से कल तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी रही, जो कि उसी वक्त साफ हो गया था, अचानक से लोगों का कहना है कि जब जुमे की नमाज हुई तो यहाँ जामा मस्जिद में तकरीबन 1.5 से 2 हजार के आसपास लोग जुमे के दिन जुटते हैं। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक दो दिन पहले जब मार्केट बंद होने की बात हुई थी तो लोकल लोगों ने और यहाँ पर मस्जिद प्रशासन ने उसका साथ नहीं दिया था, यानी किसी तरीके के बंद या उसके साथ लोग नहीं खड़े थे। और इसके बाद अचानक से जब जुमे के दिन 1.5 से 2 हजार लोग जुटते हैं तो जो आसपास के लोग थे उनमें से करीबन 1300 लोग तो तुरंत वापस चले गए। शुरुआत में जो सीढ़ी थी उस पे 100 से 150 लोग पहले खड़े होते हैं, उनके पास तख्तियां थी और अचानक से उनकी संख्या बढ़ के 300 हो जाती है। लेकिन पुलिस चूंकि मौजूद थी यहाँ पर, हमेशा शुक्रवार के दिन पुलिस यहाँ पर रहती है, और साथ ही साथ जब पुलिस उनसे बात कर रही थी तो लोकल लोगों ने भी उनकी मदद की, आसपास के लोगों ने, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ से हटना पड़ा, वो यहाँ से चले गए। चूंकि जब दुकान बंद हिमांशु आप नजर बनाकर रखें, जरा एक बार जल्दी से दर्शकों को अपडेट हम उत्तर प्रदेश कानपुर से भी पहुंचा दें। वहां से संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, अभी क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर अगर हम सिचुएशन की बात कर लें तो पुलिस ने किस तरह से सख्ती बरती है? देखिए, कानपुर जिस शहर से हिंसा का ये दौर शुरू हुआ बीते 3 जून को, वहां पे पहले हम हालात दिखाते हैं। ये कानपुर के उसी सड़क पर हम खड़े हैं जहां पर बीते 3 जून को हिंसा हुई थी। यहां पर जनजीवन सामान्य है, दुकानें खुल चुकी हैं, ट्रैफिक चल रहा है, एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कल की जुमे की नमाज के बाद जो कुछ हुआ, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, इन तमाम शहरों में हालात कुछ देर के लिए बेकाबू से हुए। प्रयागराज में हालात बेकाबू बहुत देर तक रहे, लिहाजा अब FIR दर्ज कर ली गई है, धरपकड़ की जा रही है। तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में सामान्य स्थिति है। कल भी जब जुमे की नमाज अदा हो रही थी, अच्छी बात यह है कि सामान्य स्थिति है। संतोष, आप नजर बनाकर रखें, प्रयागराज का रुख करना चाहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कई शहरों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ की हमने तस्वीरें देखी, लेकिन सबसे सुर्खियों में रहा प्रयागराज। अभिषेक, किस तरह की अभी तस्वीर है, माहौल कैसा है, और पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया, कितने लोग हिरासत में लिए गए और कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई, अपडेट बताएं। देखिए बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से कल यहां पर घटना हुई थी और पत्थरबाजी हुई, सीधे तौर पर पुलिस को निशाना बनाया गया, उसके बाद में लगातार यहां पर पुलिस हरकत में आई है और अब तक अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में 68 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हम मौजूद हैं उसी अटाला के इलाके में और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर PAC के जवान मौजूद है। ये दो गाड़ियां आपको दिखाई देगी, जो जवान है वो लगातार गश्त कर रहे हैं, अंदर अंदर गलियों में जा रहे हैं और बार बार इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति छुपा है तो उसकी पहचान की जाए। उसके साथ ही साथ में ये जो सामने आप देख रहे होंगे, यहीं पे कल हिंसा शुरू हुई थी, यहीं से पत्थरबाजी शुरू हुई थी और भारी संख्या में आप देखें किस तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद है। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी भी लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर समय समय पर इस बात को देखा जा रहा है कि क्या और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। 68 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, 70 से ज्यादा नामजद हैं और अगर बात की जाए तो 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब अगर बात करें जिस तरीके से आप कल ये भी कहा जा रहा था कि जो घटना है उसके बाद में पुलिस जब हरकत में आई तो यहाँ पर धारा 144 प्रयागराज में फिलहाल लागू कर दी गई है, समूह में लोगों के रहने की अनुमति नहीं है और इसके साथ ही साथ में हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है। 10 ऐसे लोग भी हैं इसमें शामिल जो कि या तो किसी राजनीतिक या फिर किसी समाज से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर सोशल मीडिया